सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नेट पर प्रैक्टिस के दौरान साथी खिलाड़ी मिसबाउल हक और वकार भाई मुझे कह रहे थे कि आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाले आबिद अली ने दिलचस्प इंकशाफ कर दिया है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ेंगे, मगर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों एक ही दरख्वास्त की वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करे ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करे उसकी नोटिफिकेशन फौरन आपको मिलती रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायनाज ओपनिंग बल्लेबाज आबिद अली ने इंकशाफ किया है कि रावलपिंडी टेस्ट मैच से कबल नेट प्रैक्टिस के साथ साथी खिलाड़ी हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस इन्हें लेजेंड कहकर मुखातिब करते रहे। तफसीलात के मुताबिक श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाकर मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाले आबिद अली ने कहा है कि मेरी सेंचुरी डोमेस्टिक क्रिकेट और सख्त मेहनत का नतीजा है। मैंने डेब्यू टेस्ट खेलते हुए अपनी माजी को याद किया और इस ख्वाब के बारे में सोचा जिसके बायस क्रिकेट खेलना शुरू की। डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाकर रिकॉर्ड कायम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि नेट प्रैक्टिस के दौरान साथी खिलाड़ी मुझे लेजेंड कहकर बुला रहे थे, जबकि मिसबाउल हक और वकार यूनुस ने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं दुआ कर रहा था कि ये जो सब कुछ कह रहे हैं वो सच साबित हो जाए। मैंने अभी तक कोई रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि मैं सिर्फ अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी आबिद अली के हवाले से कुछ अपडेट। जिस तरह वकार यूनुस और मिसबाउल हक आबिद अली को लेजेंड कह रहे थे, क्या आप आबिद अली को लेजेंड मान रहे हो? तो इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।